मॉन्स्टर अपनी नाक से थोड़ी सी नाक निकालता है, उसे वो लड़की के घाव पर लपेट देता है। लड़की को घाव में ठंडा ठंडा सा लगता है, लेकिन अब घाव बिल्कुल ठीक हो गया है और अब लीसा भी जान गई है कि ये सिर्फ दिखने में खतरनाक है। अब लीसा और मॉन्स्टर दोस्त बन गए हैं। मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, वो लीसा को पेड़ से फल तोड़ कर देता है। अब लीसा को खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत बदबूदार है और सालों से नहीं नहाया है। वो उसको नहलाने समुद्र के किनारे लाती है, लेकिन मॉन्स्टर पानी में उतरना नहीं चाहता। लीसा उस पर पानी उछालती है, मॉन्स्टर डर के मारे पीछे हट जाता है। लीसा को दूर से आती कोई चीज नजर आती है, वो एक बोट है जिसका उसे कई दिनों से इंतजार था। वो तेजी से चिल्लाती है और अपना दुपट्टा हवा में घुमाती है। वो अपनी खुशी को मॉन्स्टर के साथ शेयर करना चाहती है, लेकिन मॉन्स्टर जा चुका है। अब लीसा अकेले वहाँ से चली जाती है। अब उसे घर में एक बहुत अच्छे परफ्यूम जैसी महक आती है। वो देखती है ये खुशबू कूड़ेदान में पड़े उसके दुपट्टे से आ रही है जिस पर मॉन्स्टर की नाक लगी थी। लीसा दुपट्टे को लैब में चेक कराती है। उसे दुपट्टे पर किसी अज्ञात गैस के कणों का पता चलता है। अब लीसा को एक आइडिया आता है, वो एक बोट लेकर वापस से उस आइलैंड पर जाती है। मॉन्स्टर उसे देखकर खुश हो जाता है, वो उससे उसका नाक मांगती है। वो उसे जितना वो मांगती है उतना नाक दे देता है, लेकिन बावरा ये नहीं जानता कि वो उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है।